नमस्कार। आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा गोवा के द्वारा निकाली गई स्टाफ नर्स की वैकेंसी की अपडेट को लेके। वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा सही और सटीक जानकारी पाने के लिए। साथियों, आपको बता दें कि ये जो वैकेंसी निकाली गई है वो आउटसोर्स बेसिस पे निकाली गई है, ना कि कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे निकाली गई। देखिए साथियों, दो नाम होते हैं आउटसोर्स और एक होता है कॉन्ट्रेक्चुअल बेस, दोनों ही अलग होते हैं। आउटसोर्स में आपको किसी कंपनी के थ्रू लाया जाता है, इसके अलावा जो कॉन्ट्रेक्चुअल होता है उसके अंदर आपको डायरेक्ट जिस इंस्टीट्यूट को ज़रूरत है वो डायरेक्ट आपको भर्ती करता है। तो ये थोड़ा सा एक डिफरेंस है, हालांकि और भी डिफरेंस होते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको बता देते हैं कि ये जो वैकेंसी है वो आउटसोर्स बेस पे निकाली गई है। अब देखिए साथियों, यहाँ पर आप सभी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं बीएससी नर्सिंग। अब आपके मन में क्वेश्चंस होगा कि ये तो आयुर्वेदा इंस्टीट्यूट के द्वारा वैकेंसी निकाली गई है, तो क्या यहाँ पर हम अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल, आप सभी अप्लाई कर सकते हैं। अभी क्वालिफिकेशन में वन बाई वन अपन डिस्कस करने वाले हैं, तो चलिए साथियों स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि टोटल जो वैकेंसी हैं स्टाफ नर्स की साथियों 20 यहाँ पर निकाली गई है, कोई 80-20 रिजर्वेशन यहाँ पर है नहीं। अब देखिए यहाँ पर जो क्वालिफिकेशंस आपके लिए है और जो आपकी एज रखी गई है मैक्सिमम वो 35 ईयर रखी गई है। सैलरी साथियों यहाँ पर आपको पर मंथ 37,500 रुपीज़ मिलने वाली है। अब देखिए, बीएससी ऑनर्स आपने नर्सिंग किया हुआ है या फिर आपने रेगुलर बीएससी नर्सिंग फोर ईयर कोर्स किया हुआ है तो आप यहाँ पर एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए, या फिर ओबलेट लगा के उन्होंने बोल रखा है कि बीएससी नर्सिंग यदि आपने आयुर्वेदा से भी कर रखा है तो भी यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। अब ऐसे सभी कैंडिडेट साथियों जिन्होंने यहाँ पर बीएससी नर्सिंग कर रखा है उनको किसी भी प्रकार के एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं है। हालांकि जिन्होंने आयुर्वेदा इंस्टीट्यूट से बीएससी नर्सिंग कर रखा है उनको जो अपनी आयुर्वेदिक जो नर्सिंग काउंसिल है उसमें आपको रजिस्टर्ड होना कंपलसरी है। अब ऐसे सभी कैंडिडेट जिन्होंने डिप्लोमा कर रखा है उनको यहाँ पर 2 ईयर का जो मिनिमम 100-बेडेड हॉस्पिटल है उसका एक्सपीरियंस ज़रूरी है। इसके अलावा ऐसे सभी कैंडिडेट जिन्होंने रेगुलर कोर्स कर रखा है या फिर डिप्लोमा कर रखा है आयुर्वेदा या नर्सिंग या फिर फार्मेसी में, वे सभी कैंडिडेट भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। सिंपल फार्मेसी वाले कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते हैं, आयुर्वेदा वाले यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए साथियों, यहाँ पर इनको भी 3 ईयर का मिनिमम 100-बेड हॉस्पिटल में एक्सपीरियंस मांगा गया है। अप्लाई कैसे करना है देखिए तो साथियों, यहाँ पर अलग अलग वैकेंसी और भी निकाली गई हैं। लैब टेक्नीशियन की भी हैं, वार्ड जो अटेंडेंट हैं उनकी भी है, रेडियोग्राफर फार्मासिस्ट की वैकेंसी है, ड्रेसर है, इसके अलावा अलग अलग जो वैकेंसी हैं वो आपकी निकाली गई हैं। यहाँ पर साथियों उन्होंने एक बात लिख रखी है कि प्रीफ्रेंस विल बी गिवन टू लोकल कैंडिडेट एंड वो सभी कैंडिडेट जो ऑलरेडी वर्किंग कर रहे हैं सेम या फिर सिमिलर डिपार्टमेंट में। तो अभी ये यहाँ पर थोड़ा सा है क्योंकि जो पहले से इस इंस्टीट्यूट में काम कर रहे हैं उनको भी यहाँ पर प्रीफ्रेंस दिया जाएगा। अब देखिए साथियों, आपको अप्लाई करने के लिए सबसे पहले BECIL की साइट पर जाना है, वहाँ पर करियर आपको ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपका कोई भी स्किल टेस्ट इंटरव्यू वगैरह होगा या फिर आपका कोई एग्ज़ाम होगा तो उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको, आपकी जो इन्फॉर्मेशन आप भरेंगे, जो जीमेल आप लगाएंगे उसके ऊपर आपको भेज दिया जाएगा। जो भी कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे उन्हीं को केवल और केवल स्किल टेस्ट या फिर आपके जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा एग्ज़ाम उसके लिए मेल आने वाला है। तो आप सभी अपनी क्वालिफिकेशंस के अकॉर्डिंग ही भरें। लास्ट डेट जो यहाँ पर सबमिट करने के रखी गई है साथियों वो 19 अक्टूबर रखी गई है, तो आप 19 अक्टूबर तक यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म फ़ीस की अगर बात करें साथियों तो यहाँ पर फॉर्म जो फ़ीस है वो आपके लिए रखी गई है। अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो 885 रुपीज़ आपके लिए यहाँ पर रखे गए हैं। इसके अलावा OBC में भी सेम फीस आपके लिए रखी गई है। SC ST कैंडिडेट के लिए 531 रुपीज़ रखे गए हैं। एक्स सर्विसमैन के लिए 885 रुपीज़ जो कि जनरल और OBC के लिए है, कंटिन्यू सेम है। फीमेल कैंडिडेट के लिए भी यहाँ पर जो हैं उनके लिए सेम फीस रखी गई है। अब देखिए साथियों, आप यहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, कहीं कोई डॉक्यूमेंट भेजने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी अपडेट आती है तो आपको बताई दी जाएगी। धन्यवाद।